हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फैशन क्लिनिक। अभी तक हमने स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में यहाँ पर बहुत सारी रेमेडीज़ देखी हैं। आज लेकिन हम बात करने वाले हैं हमारे फुट केयर की और हैंड केयर की, जिसमें हम होम रेमेडीज़ का यूज़ करते हुए घर पे ही पेडिक्योर और मैनिक्योर को कम्प्लीट करेंगे। अभी विंटर्स चल रहा है, विंटर्स में हम अपने फेस का तो केयर जैसे तैसे कर लेते हैं, बट हम अपने अगर पैरों की केयर नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम है क्रैक हील्स का। क्रैक हील्स जो है उसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी एक DIY रेमेडी शेयर की है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो है हमारे फुट की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो फुट की हर तरह की प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन लेकर मैं आज यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। हम आज घर पर ही अपने पेडिक्योर और मैनिक्योर को कम्प्लीट करेंगे। वैसे तो पेडिक्योर और मैनिक्योर लोग पार्लर में भी करवा सकते हैं, लेकिन वो एक तो पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है, दूसरा ये है कि हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक दो घंटे जाके पार्लर में बैठे और फिर अपने कोई भी ट्रीटमेंट वहाँ पे ले पाए। तो मैं आपके लिए आज घर पर ही ये ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ, जो बहुत ईजी भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, कैसे हमें ये करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टब ले लिया है और उस टब में हम ल्यूकोवर्म वाटर जो है वो डालेंगे। टब को मैंने हाफ वाटर से फिल कर लिया है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच शैम्पू ऐड करेंगे। आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल है घर पे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून बेकिंग सोडा और 1 स्पून सॉल्ट। इसके बाद हाफ लेमन को स्क्वीज करके इसका जूस जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर पार्लर लाइक स्पा का फील लाने के लिए हम इसमें थोड़े से रोज पेटल्स को ऐड कर देंगे। लग रहा है ना बिल्कुल पार्लर की तरह, इसे देख के तो मुझे पार्लर का ही फील आ रहा है। आपको आ रहा है या नहीं? अब हम इसमें थोड़ा सा झाग बना लेंगे। अब हमारा वाटर रेडी है, हम इसमें अपने पैरों को डिप करेंगे। इसके बाद इसी पानी में हम हाथों को डिप करेंगे। हाथों को डिप करने के पहले जो भी ज्वेलरी हमने हाथ में पहनी हुई है वो साइड में कर देंगे और हाथ और पैरों को इस वाटर में हम 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही डिप करके रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हम अपने पैरों को बाहर निकाल लेंगे और एक स्क्रबर की सहायता से हल्का हल्का स्क्रब करेंगे। डिप करके करने के बाद में जो हमारी डेड स्किन है वो लूज हो जाती है और इजीली स्क्रबिंग से निकल जाती है। उसके बाद मेरे पास एक ये पेडिक्योर टूल है जो 4-in-1 है, जिसमें प्योमाइक स्टोन ब्रश और 2 टाइप के फाइलर्स हैं। ये आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसकी सहायता से हम पहले तो प्योमाइक स्टोन की सहायता से डेड स्किन को अच्छे से घिस के निकाल लेंगे। इस तरह से करने से हमारा जो सोल है उसकी सारी डेड स्किन जो है वो निकल जाएगी और सोल एकदम स्मूथ हो जाएगा। हील्स में भी जो हमारे क्रैक्स होंगे वो भी डेड स्किन निकलने की वजह से एकदम स्मूथ हो जाएंगे। अब एक बाउल में हम 1/2 स्पून शुगर और 1/2 स्पून बेकिंग सोडा लेंगे और जो लेमन हमने स्क्वीज किया था उस लेमन को के ऊपर ये मिक्सचर लेंगे और हम अपने पैरों पर स्क्रबिंग करेंगे। हमें टर्न बाय टर्न दोनों फुट और दोनों हाथों पर अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। इसके बाद फुट और हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम पानी को चेंज कर लेंगे। अब हम अपने नेल्स पे जो भी नेल पेंट पहले का लगा हुआ है उसे नेल पेंट रिमूवर से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद एक बाउल में हम लेंगे 1 स्पून ग्राउंड फ्लोर बेसन, 1 स्पून कर्ड, 1 स्पून कॉफी,
सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर पैरों और हाथों पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद 2 to 3 minutes मसाज करेंगे और 10 minutes के लिए छोड़ देंगे। 10 minutes बाद में साफ पानी से वॉश कर लेंगे और एक टॉवल से वाइप ऑफ करेंगे। आप देख सकते हैं फुट अभी से कितने साफ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम पैरों की और हाथों की मसाज करेंगे, जिसके लिए हम एक मसाज क्रीम प्रिपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पर कोल्ड क्रीम ली है और उसमें मैं ग्लिसरीन की 5 से 7 बूंदें जो है वो ऐड कर रही हूँ। ग्लिसरीन डाल के मसाज करने से हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। वैसे तो अभी विंटर्स चल रहे हैं और कोल्ड क्रीम सभी के घरों में होती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं मसाज के लिए। क्रीम को अच्छे से हाथों और पैरों पर अप्लाई करने के बाद में हमें एक बढ़िया तरीके से मसाज करनी है। मसाज हमें 10 to 15 minutes करनी है। इसके बाद एक टॉवल लेंगे और उससे हम पैरों को क्लीन कर लेंगे। इसके बाद में हम अपने पैरों के लिए एक पैक प्रिपेयर करेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने दही लिया है 1 स्पून। 1 स्पून उसमें मैं चावल का आटा, राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड करेंगे और 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे हनी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक पैक रेडी करेंगे और उस पैक को पैरों पे और हाथों पे अप्लाई करेंगे। 15 मिनट्स के लिए रखेंगे और उसके बाद में जो लेमन का जो पील है उससे हम इसे रब करके थोड़ा सा क्लीन करेंगे। इसके बाद हैंड एंड लेग्स को क्लीन वाटर से वॉश कर लेंगे और एक टॉवल से वाइप ऑफ कर लेंगे। इसके बाद जैसे हम अपने दांतों को कोलगेट से चमकाते हैं ना, वैसे ही अपने नेल्स को भी चमकाएंगे। थोड़ा कोलगेट लेंगे और अपने नेल्स पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद में ब्रश की सहायता से इसको रब करेंगे। इसके बाद वाटर से वॉश कर लेंगे और एक टॉवल से इसको वाइप ऑफ करेंगे। इसके बाद नेल्स को ट्रिम कर लेंगे और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। लास्ट में नेल पेंट अप्लाई करेंगे और इसी तरह से हम अपना मैनिक्योर एंड पेडिक्योर स्पा घर पर ही कंप्लीट करेंगे। आप सभी भी वीडियो में बताए हुए स्टेप फॉलो करके घर पर ही पेडिक्योर एंड मैनिक्योर करें और अपने पैरों को सुंदर बनाएं। होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।